Being one is the highest privilege. Having one is the best blessing. Happy Teachers' Day, Guruji. Thank you so much, Meghaji. Okay. Thank you so much. Before we start, I would like to introduce you to our speaker. This is for my audience, basically. Acharya Advit Yog Bhushan ji, a Himalayan Yogi, a Midway Seeker. आज का जो सेशन है वो इतना स्पेशल है, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट दैट गुरुजी आए हैं और इतने सारे लोगों को हम आज एक अवेयरनेस देने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट बिकॉज हमारा टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है जो चल रहा है सिचुएशन आज की, उसके बारे में ही हम गुरुजी से सबसे पहले पूछ लेते हैं. जी गुरुजी, जैसे कि सिचुएशन चल रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज नेशन वाइड प्रॉब्लम. पूरी ह्यूमन रेस इससे डिस्टर्ब हो चुकी है और इस कोरोना का जो फियर है, जो इन्फेक्शन है, पीपल आर कन्फाइंड टू देयर होम्स एंड स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन. सो हाउ वुड स्पिरिचुअलिटी हेल्प देम टू कोप and deal with this situation? Straight question. So आप चाहते हैं कि मैं इसका बहुत लंबा सा जवाब दूं या एक छोटा सा जवाब दूं? Because आपने इसमें spirituality को add किया है. So लोगों के लिए असल में क्या है, spirituality का meaning is being changed. कुछ लोगों के लिए आध्यात्म हाथ जोड़ कर बैठे रहना बन गया है, कुछ लोगों के लिए मूर्ति पूजन बन गया है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा सही 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 के फेवर में रहना बन गया है. अच्छा करो, सही करो, ये बुरा है, ये गलत है, वो स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करता है. और कुछ लोगों के लिए योगा इज स्पिरिचुअलिटी. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स नाउअडेज, पीपल आर सेइंग दैट दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. कोई बस म्यूजिक बजाकर भजन कर रहे हैं तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी. आप देखिए, सबसे पहले समझना है, जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, मेजर है, और वो कैसे हमारी मदद कर सकता है इस सिचुएशन में जब लोगों को लगता है कि ये बहुत बुरी सिचुएशन है, और कैसे माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है लोगों को, और तभी उनको असल में समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर रही है. मेजर चीज, सबसे पहली बात ये है, जब कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसे बड़ी महामारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम भगवान को याद करने लग जाते हैं. सबसे पहली बात है हमारा जो आपका क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन ना होता, पैंडेमिक नहीं होता, कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम ना होती, तो ऐसा होता कि लोगों को भगवान याद ही नहीं आते. आप मुझसे ये सवाल पूछते ही नहीं. तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जब हम आफत में, व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ बहुत ज्यादा परेशानी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फेलियर का जब सिचुएशन होता है तब हम याद करते हैं. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल. वो गुरुजी एक लाइन इस पे है, दुख में सुमरन करे हर कोई, सुख में करे ना कोई. जी बिल्कुल, कबीर का जो लाइन है. एग्जैक्टली. तो असल में ये तो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है. अगर स्पिरिचुअलिटी का असली अर्थ समझें तो हम हमेशा थैंकफुल और हमेशा हमारे अंदर वो भाव हो कि हम किसी को कुछ दे सकें. अपने पास व्यक्तियों को लगता है, हम हमेशा पैसे के मामले में सोचते हैं, हम हमेशा स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, हम ज्यादा लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं. सिर्फ यही एक देना नहीं होता है. अब किसी को कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रकार का नीडी हो सकता है. आप उसके सामने खड़े हैं, उसको इस समय क्या चाहिए और आपके पास वो कितनी एबिलिटी है उसको देने की, वो डिपेंड करती. आप दे सकते हैं, आप किसी को 1 रुपए देकर भी स्पिरिचुअल बन सकते हैं, आप किसी को 1 हाथ बढ़ा करा के भी स्पिरिचुअल बन सकते हैं, आप अपने रोटी में से आधी रोटी किसी को देकर स्पिरिचुअल बन सकते हैं, आप किसी को कोई डाउन फील कर रहा है उसको अपलिफ्ट करके, उसको ये बताकर, उसको ये समझाकर कि वो लाइफ को बहुत जैसे छोटा समझ रहा है और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ी सी ट्रेजेडी हो जाती है, उसको एक बड़े एस्पेक्ट से ये समझाकर कि असल में जीवन क्या है, आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, उनको अपलिफ्ट करके भी आप स्पिरिचुअल बन सकते हैं. तो सो कॉल्ड गुरुज हमारे कंट्री में आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर यही तो करते हैं, माइक के पीछे बैठते हैं और बस यही कहते रहते हैं, जीवन ये है, जीवन वो है, भगवान ये है, भगवान वो है, और कभी भगवान के नाम पर डोनेशन रेज करना और कभी भगवान के नाम पर डराना, लोगों को अपने प्रति रिसेप्टिव बनाना, ये स्पिरिचुअलिटी ज्यादातर बना हुआ है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर अभी हम बात करें, आपने जैसे मुझसे कि इस सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकती है, सबसे मेन है, सबसे पहली चीज है कि हम याद रखें कि यहाँ पर अभी सिचुएशंस कैसी है कि कोई अच्छे से सरवाइव कर रहा है और किसी के लिए हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उनको सांस लेना तक भारी हो गया है। आप समझ सकते हैं। दूसरा भाव ये है, हमें ये समझ लेना, स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा मैसेज इस सिचुएशन में ये है कि जैसे कि हम समझने लग गए थे कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, जैसे कि हम समझने लग गए थे कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स सब जानते हैं, वो 72,000 साल पहले पुराने, जब नहीं वो कब हुए हैं कब नहीं हुए हैं, और उस समय वो पहुंच जाते हैं, उन्हीं बातों को ऐसे बताते हैं जैसे कि वो शिव जी भगवान के घर के नेक्स्ट में रहते थे और घर में उनके जो पार्वती माता के साथ और शिव जी भगवान के साथ जो बातें होती थी, घटनाएं होती थी, वो कान लगा के सुनते थे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने बड़े बड़े वो डायलॉग्स, इतने बड़ी बड़ी वो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, जबकि देखा जाए कि वो इतने कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं कि कई सारे धर्म उन पर सवाल उठाते हैं, कई सारे धर्म उन पर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। तो लोगों का क्या हो गया है, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन ये वो नहीं है बिल्कुल भी। आप समझेंगे, अब जब आपकी सिचुएशन समझिए, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका कोई होटल इंडस्ट्री है, आप लोगों को देखिए, अब इस सिचुएशन में ज्यादातर सफर कौन कर रहे हैं, ज्यादातर जो होटल इंडस्ट्री है, ज्यादातर जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ज्यादातर जो बिजनेस मार्केट्स होती हैं, जो जीडीपी गिर रहा है, हमारी कंट्री इकोनॉमी रेट बहुत नीचे जा रहा है, 23 पॉइंट समथिंग हमारा जीडीपी गिर गया है, कुछ कंट्रीज ने अपना 2-3% जीडीपी बना लिया है, हमारा बहुत ज्यादा गिर गया है। अब इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा अल्टीमेट नुकसान हुए हैं। अब उन लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, जो कुछ भी उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, नए नए मूवमेंट्स बना रहे हैं, एक अलग प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनके लिए, कि उनको ये दिखाना चाहते हैं कि और भी रास्ते हैं, वो स्पिरिचुअल है, सिंपल सी बात है। अब इसमें ये नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि आप बुरी सिचुएशन है, भगवान का नाम लो जितना ज्यादा ले सकते हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो एग्जैक्टली वो असल में पागल बनाना है लोगों का, कि अब तक तो तुमने लिया नहीं, अब तुम्हारे ऊपर बुरी सिचुएशन है, तो तुम ज्यादा गणेश जी की मूर्ति लगाओ, तुम ज्यादा शिव जी भगवान के सामने बैठे रहो तो तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। हमें इस सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज है, ग्रेटेस्ट मैसेज है, और वो अगर मैं चाहूंगा कन्वे करना, लोगों को जो समझना चाहिए वो ये है कि अब हम अपनी एबिलिटीज को पहचाने, अब हम इन्फीरियर फील ना करें। दिस इज द टाइम टू फील सुपीरियर अबाउट समथिंग। अभी सोचना चाहिए कि अब मेरी क्षमता क्या है। जब ईश्वर ने ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, पुलिस वाले भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, मैं जब चाहूं तुम्हारा गला रोक सकता हूं, जब चाहूं तुम्हारी सांसें रोक सकता हूं, इट्स लाइक दैट। अभी यही है कि जिसने अपने आप को स्पिरिचुअल रखा है, मतलब कम शराब पी है, कम नशे किए हैं, शरीर को स्वस्थ रखा है, हर चीज को, हर नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखा है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा है। कैसे? दूसरों को पॉजिटिव रखकर। जो हमें अपने शरीर को, जिन लोगों ने कंचन बना के रखा है, जिन लोगों ने अपने शरीर को, अपनी काया को सॉफ्ट और अच्छा तरोताजा बना के रखा है, वो आज स्पिरिचुअलिटी का लाभ उठा रहे हैं, वो जी रहे हैं, उन्हें कोई कमजोरी नहीं है शरीर में, इजिली उनको ये वायरस, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमारी कंट्री के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि भैया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट कर रहा है। मोस्टली दोज हू आर हैविंग वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर गेटिंग इट्स लाइक अटैक्ड बाय दिस वायरस। तो सबसे पहले जिन लोगों को सांस अच्छे से आ रही है, अब सोचिए जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, जो लोग बहुत शराब पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, तो वो कैसे स्पिरिचुअल होंगे और कैसे वो इससे बच पाएंगे। तो फर्स्ट मैसेज ये है, आप अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट मैसेज है, अब अपने आप को हेल्दी रखिए। मेरा यही कहना है, स्पिरिचुअलिटी आपको यही बता रही है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कि भाई आप नशे नहीं करो, आप दूसरे की चुगली मत करो, चुगली करने से स्ट्रेस होगा, आप ही को परेशानी बनेगी, आप ही के शरीर में हवा बनी रहेगी, आपको छाती में सांस बना रहेगा ऐसे जैसे पूरा नहीं आ रहा है। आराम की सांस कौन लेता है? जो किसी की चुगली नहीं करता, जो किसी को स्ट्रेस नहीं करता, जो किसी को डिफेम नहीं करता। तो सारा अध्यात्म हमें यही तो सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें, दूसरों का ये नहीं करो, दूसरों का वो नहीं करो। तो मेजर चीज है, इफ यू डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस्ड, अगर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, माहौल तो सबके लिए बराबर है, सब बिजनेस का लॉ नौकरियां चली गई हैं, सबकी सैलरीज आधी हो गई हैं और लोगों के कुछ तो प्रोफेशन ही बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कुछ लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, स्टडीज खत्म हो गई हैं, सब अपने घर में है। तो इट्स टाइम not to just sit at home and defame others, criticize others, and not to just talk bad about others. तब भी किसी से बात करो, किसी से भी बात करो तो आप उसकी मनोस्थिति को जानने की कोशिश करो, उसको सोचो एक बार कि वो अपना है, प्रिय है, तभी मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है, अभी यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उससे एक अच्छी बात बोलकर फोन को काटूं, मैं एक अच्छा मैसेज देकर उसको ये बोलूं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाना है, ये तो सिचुएशन मेरे साथ, मैं भी तो ऐसे ही परेशान चल रहा हूँ, पैसे का लॉस हो गया है। अब ये कुछ लोग, आप देखिए जैसे कि मैं जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ अभी फिलहाल, लाइक हम लोगों को भी कैटेगराइज किया हुआ है कि हम एक वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री से हैं, है ना, सभी आजकल पीपल ऑल्सो कॉल, हमें भी कहते हैं वी आर स्पिरिचुअल बिजनेसमैन। तो अच्छा है, कम से कम हम बिजनेसमैन तो हो गए, हमें कभी लगा ही नहीं था कि हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो अभी बन गए हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अब जब लोगों को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है हम जैसे लोगों की, दोज हू कैन डिलीवर समथिंग विच वुड अपलिफ्ट देम, विच वुड बेनिफिट देम इन सो मेनी वेज, हम उन्हें एक अच्छा मैसेज देकर खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सुबह उठाकर उन्हें एक अभ्यास करा सकते हैं, उनको उनका डीएनए रिपेयर करा सकते हैं, उनका जेनेटिक कोड रिपेयर करा सकते हैं, उनको ध्यान करा सकते हैं, उनकी मनोस्थिति को ठीक कर सकते हैं, उनके न्यूक्लियर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनके न्यूरॉन्स को रिफ्रेश कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब जिससे कि इंसान स्ट्रेस्ड ना होकर उस बीमारी को पकड़े, क्रिएटिव होकर एक अच्छे आइडिया के साथ आए कि कैसे उसके खोए हुए बिजनेस में अभी उसको क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे उसके गए हुए व्यापार से उसको भी समझना चाहिए कि वो सिर्फ जिस नौकरी को कर रहा था वो किसी डिग्री की, किसी एक स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से थी, वो उसकी खाली एबिलिटी नहीं है। इंसान क्या है, मल्टी डाइवर्सिटी में परफॉर्म करने वाला एक जीव होता है। अब किसी भी आप देखिए, आप कोई व्यक्ति इंजीनियर है, आप उसे पहाड़ों में छोड़ दीजिए तो वो क्या है, वो सारी चीजें करेगा अपने आप, वो अपना खाना भी बनाएगा, वो कुक भी बन जाएगा, वो एक लकड़ी काटने वाला वुड कटर भी बन जाएगा, वो कारपेंटर भी बन जाएगा, वो अपना घर भी बना लेगा, वो सब कुछ बन जाएगा। धीरे 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 आप सोचेंगे कि वो अपनी हर एक एक्सपर्टीज को, अब जो उसको जरूरत पड़ेगी सिचुएशन में, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। फिर उसको आप 2 साल के बाद पहाड़ों से उठाकर फिर से वापस सिटीज में ले आइए तो वो बताएगा मैं तो इंजीनियर था, मैं कंप्यूटर ठीक किया करता था, पहाड़ों में तो नहीं मिला ना कंप्यूटर ठीक करने के लिए, अब उसको हजारों नए स्किल्स आ गए। तो इंसान को सिचुएशन में ये समझना चाहिए कि अपनी एबिलिटीज को पहचाने, इंफीरियर फील ना करें, बिल्कुल भी इंफीरियर फील ना करें, और अगर आप सहयोग कर सकते हैं 2 अच्छी बात से, 2 अच्छे पैसे से, तो वो करें लोगों के साथ। अभी अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री से हैं तो आप अपने घर पे बैठकर फोन उठाकर लैपटॉप रखकर 1 घंटा अगर आप फ्री सेशन करा देते हैं, आप दिन में 50 सेशन पैसों से कराइए, लेकिन अगर आप एक सेशन जब वो पैसा कमाकर उसका पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे पे कर रहे हैं, वो ना करके उस 1 घंटे को ग्रेटफुलनेस में इन्वेस्ट करें, गिविंग में, सेल्फलेस गिविंग में इन्वेस्ट करें। आपको, आपके अंदर वो एबिलिटी है ना, आपने किसी को अभी पैसों में कुछ कराया, मतलब किसी ने आपको पैसे दिए, मीन्स यू हैव एबिलिटी, यू कैन डिलीवर समथिंग विच इज वैल्यूएबल, दैट्स व्हाई पीपल आर पेइंग यू। सो आप उसे एक बार तो सोचें फ्री में देने का। 24 घंटे में आपने 8 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 1 सेशन पैसों से कराए, अब 1 सेशन फ्री में कराइए, तो ना जाने कितने लोग, कितने सारे लोग उस बीमारी से बच जाएंगे, कितने सारे लोगों को धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। और इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकते। इस स्पिरिचुअलिटी का एक मैसेज है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग जानो, सेल्फलेस गिविंग का भाव जगाओ। इस टेक्नोलॉजी से वो किया जा सकता है जो आप बिना टेक के नहीं कर सकते थे, बिना कोविड के नहीं कर सकते थे। अब कोविड में क्या है, सब फोन के पीछे बैठे हैं, सब लैपटॉप के पीछे बैठे हैं। तो अगर आप एक बार बोलेंगे कि मैं आपको फ्री में ये दे रहा हूँ, तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक्स्ट्रा आएंगे आपको करने के लिए, और अगर आप अच्छा करेंगे तो उनको लाभ होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके खुद के अंदर भी एक ऐसा भाव जगेगा कि आपको पता चलेगा कि जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू रियलाइज, द वन हु विल डू इट दे विल रियलाइज कि असल में ग्रेटफुलनेस होती क्या है, वो बिना पैसों के आती है। सो मेरा तो एक छोटा सा मैसेज यही है, सेल्फलेस गिविंग का भाव अपने अंदर जगाकर उसे एक्सपीरियंस करके देखिए, दिस इज द टाइम। वाओ गुरुजी, ये बात से तो मैं इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं। ये एक नया न्यू नॉर्मल है जी। पैसे ना कमाकर ये सोचना चाहिए, पैसे भी कमाओ। मैं बोलता हूँ कि अब जब घरों में बंद हो तो इतने पैसे कमाकर जाओगे कहाँ? जरूरत के जितना कमा लिया कोई मना नहीं करता है। अब थोड़ा सा किसी को देकर भी तो देखो, अपनी लाइफ में कभी नहीं दिया, अब तो घर में बैठे हो, अब तो एटलीस्ट ट्राई, एक बार ट्राई तो करके देखो। अभी तो गुची अरमानी के शोरूम भी बंद हो गए हैं ना, अब तो क्या खरीदोगे उस पैसे से? नहीं, अभी तो घर में एक पजामे को 10 दिन पहनोगे तो भी गंदा नहीं होगा। तो खर्चे तो बिल्कुल शून्य पर आ गए हैं ना, 10% हो गए हैं। कपड़े गंदे नहीं होते हैं, साबुन कम घिस रहा है ना। कम नमक खाओ, अपना नमक का खर्चा भी कम करो, ज्यादा हेल्दी बनोगे। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सब चीजें सिखा रही है। आप पॉइजन को कम कर दो, आप लोगों में अमृत बांटना शुरू करो अपनी जबान से, अपने कर्मों से। देन यू विल रियलाइज व्हाट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है मेरी तरह टीका लगा के और भगवान जी की मूर्ति धर के अगरबत्ती लगा के और ओम जय जगदीश हरे करना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। मैं उसे नहीं मानता। थोड़ा अपने ये जो इतने सारे मसल्स हैं मुंह के, इनको यूज करो। कुछ भी तो नहीं करना होता है। आप डॉक्टर हैं तो आप फ्री गाइड कर सकते हैं, लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक भी डॉक्टर को मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखा है कि डॉक्टर्स आर गोइंग वायरल, डॉक्टर्स आर गोइंग लाइव। वो पागलों की तरह लाइव कर रहे हैं, रोज बता रहे हैं ये दवाई करो, ऐसे स्टीम लो, ये दवाई खाओ, इससे फायदा होगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं ये चीज कि मैं किसी को फ्री में ऑपरेशन कर दूं। कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मेदांता में, अपोलो में, फोर्टिस में बैठे हुए किसी का फ्री में ऑपरेशन किया। कि कोई सा ऐसा बहुत रेयर नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैं 1 महीने में एक ऑपरेशन फ्री में करूंगा, जो मुझे लगेगा ये सबसे गरीब आदमी है, इसके मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरी सैलरी से काट लेना। वो कभी ये नहीं किया। अब इतना सारा नॉलेज लेकर बैठे हैं, उसका क्या करेंगे? इतना सारा महंगे महंगे मोबाइल लेकर बैठे हैं, उसका क्या करेंगे? सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, being a spiritual guide, being a spiritual leader, this is my request to all the people who are into profession of health, those who are into the profession of wellness industry, those who are in the profession of motivating others, inspiring others, those who are teachers, teach for free. लोगों को फ्री में आयुर्वेद पढ़ाओ, लोगों को फ्री में योगा पढ़ाओ, लोगों को फ्री में आप एलोपैथी पढ़ाओ, लोगों को फ्री में गाइड करो कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आई एम सिटिंग हियर, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। ऐसा करना शुरू करें तो कितना ज्यादा लाभ होगा और लोगों को असल में पता चलेगा कि एक स्पिरिचुअलिटी का अलग ही डेफिनेशन होता है। उसका एक डेफिनेशन तब पता लगता है जब हम कुछ देना शुरू करते हैं, ना कि लेना 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 शुरू करें। दैट्स इट। बिल्कुल सही। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, बिल्कुल वही एक मुहिम बन जाना चाहिए। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को इस शो में लाए थे, कहिए सुनिए में, और उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भी दिए थे। तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं गुरुजी। बिल्कुल होते हैं। ये जो सेशन हमने मैं तो किया था, अभी क्या है, जब आपने मुझसे सवाल किया है, मैं क्रिटिसिज्म में ना जाकर मैं लोगों के माथे पर हथौड़ा लगाता हूँ कि उनकी आंखें खुल जाएं। उनके पास हजारों करोड़ों रुपए होने के बाद भी, आप समझिए, देयर आर पीपल हु हैव मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर अकाउंट। उनके बड़े बड़े एम्पायर हैं एंड स्टिल दोज पीपल आर अवेलिंग देयर सर्विसेज 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ। अरे क्या खर्चा क्या लग रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं करना है, आपके यहाँ पब्लिक नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आप सिंपली बैठो। एंड यू आर नॉट दैट ग्रेट वीवीआईपी, इतने बड़े वीवीआईपी नहीं है लोग। वो सिर्फ अपने को मानने लग जाते हैं, थोड़ा पैसा होने के बाद, थोड़ी पॉपुलैरिटी होने के बाद, तो समझते हैं लोगों के सामने लाइव जाना, फ्री में जाना, हमारी रेपुटेशन कम हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा, हमारी सर्विसेज को, हमारी क्रियाओं को, हमारी जो कीमती ज्ञान है उसको फ्री में बांट के फिर हमारे पास बचेगा क्या? तो ऐसे लोगों का कभी नहीं भरता है, उनके घड़े हमेशा ही खाली रहते हैं। तो इन लोगों को मेरा मैसेज होता है कि वो फ्री में ऐसा कुछ करें, फ्री में दिखाएं करके। अभी इंटरनेशनल फ्लाई करना, अपने आश्रमों में चुपचाप बैठे रहना, अपने हॉस्पिटल्स को बंद करके वीवीआईपी बनना, बिकॉज दे आर प्रिटी मच फेमस वो लोग, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबसे फेमस है उसको सबसे ज्यादा फ्री करना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा लोग सुनेंगे। अब मेरे जैसे व्यक्ति जो फेमस ही नहीं है, मुझे कौन सुनने वाला है? कोई भी नहीं सुनने वाला है। बट जो मुझसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैं ये उनसे क्वेश्चन छोड़ना चाह रहा हूँ, मे बी आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू, कि जब आपके पास 2000, 3000, 4000 ऑडियंस आता है तो आप फ्री में कराओ, आपसे लाभ ज्यादा जाएगा। आप क्यों 30% और 50% का चेपा लगाकर लोगों को अपना प्रोग्राम बेच रहे हैं, अपनी क्रिया करा रहे हैं? आप भगवान तो नहीं बना देंगे, कोई शंभू नहीं बनाता शांभवी करा के 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कोई नहीं बनने वाला है। बट किसी को लाभ हो सकता है, किसी को मुफ्त में करा दिया तो किसी को सच में थोड़ा लाभ हो सकता है और उन लोगों को ज्यादा सुनेंगे वो लोग। दैट्स व्हाट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू आर फेमस, व्हेन यू आर वेल नोन एंड यू डू थिंग्स फॉर फ्री फॉर पीपल। रैली निकालना, मूवमेंट निकालना, पौधे लगा देना, नाम ले लेना, लोगों से भलाइयां ले लेना, सब कर लेते हैं। एवरीबडी कैन डू दैट। एक पौधा लगाकर और 500 उस जगह उसको प्रमोट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन 5000 पौधे लगाना और किसी को ना बताना बहुत मुश्किल होता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। फेमस लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, अगर कोई भी स्पिरिचुअलिटी को रियली समझना चाहता है कि वो कैसे मदद करती है, तो करके देखिए। फेमस होने के बाद इनिशिएटिव लीजिए, सेलिब्रिटी होने के बाद इनिशिएटिव लीजिए। अपने आप को शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कंगना रणावत ये ना समझ के अपने आप को ये समझिए दैट यू आर मोर अवेलेबल टू पब्लिक, मोर पीपल आर आफ्टर यू, सो लेट्स डू समथिंग नाइस, लेट्स कन्वे गुड मैसेज एवरी डे। क्या जाता है? वेरी ट्रू गुरुजी। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, न्यू नॉर्मल में रिश्तों का ना नया रूप आ रहा है ना? We did a special show on relationship in corona time. Relationship. So, in corona time, जो relationships बदले हैं, लोगों के जुड़ने और टूटने के पूरा जर्नी है, जो हमने उसमें से 1-2 जन के रिलेशनशिप शेयर किए थे। तो ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा शो, तो गुरुजी के पास बहुत सारे रिश्ते होंगे जो आजकल लॉकडाउन में काफी खुल रहे होंगे या खुलकर सामने आ रहे होंगे। उसके लिए आपका क्या सजेशन है हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही मीठा शब्द है, बिल्कुल शहद के जैसा, बहुत लुभाने वाला, और लोग इसे इस तरह से निभाते हैं जैसे मक्खी गुड़ को देख के कहीं भी बैठ जाती है और फिर अपने पैर झूठे करती है और फिर कहीं और जाके बैठ जाती है। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा लोगों को, जो मैंने देखा भी है, मैं सजेशंस दे सकता हूँ एज पर एज माई पर्सपेक्टिव। मेरा जो परसेप्शन है देखने का, वो छोटा भी हो सकता है, वो ब्रॉड भी हो सकता है। आई एम सॉरी कि कुछ जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनको ये चुभ जाए या उनको मोटिवेशन मिल जाए कि रिलेशनशिप कोई हवा का खेल नहीं है। आप हवा में ही, फोन पे ही एक दूसरे को किसेस देते रहें, हगीज करते रहें, वो सब करते रहें, तो उससे कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं निकलना है। आज आप फोन पर किसी के इमोशंस को नहीं समझ सकते। तो नए रिश्ते ना बनाकर जो टूट गए हैं इस कोरोना में, उसको देखें वो क्यों टूटे और उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें। नया रिश्ता बनाया हुआ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, फोन पर ही चालू होना है और फोन पर ही खत्म हो जाना है, वो और स्ट्रेस देने वाला है। आप अब किसी के घर भी नहीं जा सकते मिलने के लिए। सो टू रिवाइव योर ब्रोकन रिलेशनशिप्स, वो जो टूटे उसमें अपनी गलती देखकर और एक बार आगे बढ़ के और फिर से बोलिए, फिर से जाकर लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका टूटा हुआ रिश्ता आपका फोन काट दे, आपकी बात ना सुने, लेकिन आप कोशिश करें और मीठा स्वभाव लेके आने का और एक्सेप्टेंस क्रिएट करने का कि हाँ गलती मेरी थी या फिर प्रॉब्लम मेरी थी। तो जस्ट बिकॉज कोरोना है, सब बंद है, तो आई रिक्वेस्ट टू रिवाइव रिलेशनशिप्स। उसको दोबारा से जिंदा करो, पैदा करो, नए मत बनाओ, क्योंकि नए बनाओगे अभी क्या है, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था वो कहीं बंद है, फोन से तो अब कोई चेक भी नहीं कर सकता ना। ऐसे क्या होता है, वाइफ, गर्लफ्रेंड वो चेक कर लेती हैं मैसेजेस को, अब तो चेक नहीं कर सकते, अब तो घरों में है, सब अपने दूर दूर बंद हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, नया बना लेते हैं एक और, जिस पर बहुत दिनों से सोच चल रही थी ना कि वो उससे बेटर है, तो वहां तीर फेंके जा रहे हैं। वो ना फेंके, अपना जो ऑलरेडी है उसी को अच्छे से स्टैब्लिश रखें, उसी में ही अपनी ऑनेस्टी को बरकरार रखें एंड एक दूसरे के साथ रहें। उनको हमेशा ये लगना चाहिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हेन यू आर इनटू अ रिलेशनशिप देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग टू द नेक्स्ट वन, जो दूसरे को फील हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है और मेरे किसी एक्ट से उसको दुख हो रहा है, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसको समझाऊं कि मेरा एक्ट का मतलब ये नहीं था। हम कई बार ये कह देते हैं मैंने गलत नहीं किया, आपने गलत समझा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो और ज्यादा तकरार हो जाएगी, और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, वो और बिगड़ जाएगा। आपको ये समझना चाहिए कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मेरे किसी एक्ट से उसको कुछ गलत लग गया तो वहां जाकर अपने हस्बैंड को, वाइफ को, है ना, प्रेमी को, किसी को भी, जैसे भी जिस तरह के भी रिश्ते होते हैं, वो भाई बहन में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, 100 तरह के रिश्ते होते हैं आजकल। तो इतना तो आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन उन सभी को जब हम कुछ गलत भाव चला जाए, फोन बिजी आ रहा है, कहाँ बिजी थे, तो ये ना बोलकर, दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, ताला लगा के घर में बंद किया हुआ है, फ्रीडम नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन पहला भाव है। तो समझना चाहिए, बोलना चाहिए, हे प्रिय, मैं अपने माताजी से बात कर रहा था, आप बुरा ना समझें, ठीक है। और गहरा एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की कि अगर दूसरे को कुछ गलत लगा है, अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत को मैं काट दूं। अगर उसके काटने के बाद भी दूसरा व्यक्ति शक करता है तो वो रिलेशनशिप चलने वाली नहीं है, वो तो कोरोना हो या ना हो वो टूट ही जाएगी, ठीक है। तो हम हमेशा जिम्मेदारी लें, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लें, इस बात को समझें कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, नए नए प्रेम ना बनाएं। दिस इज माय रिक्वेस्ट कि इंस्टाग्राम फेसबुक से अगर आपका प्रेम बन भी रहा है तो पूरा उसे शादी तक ना ले जाएं, ठीक है, या फिर उसे तोड़ने पर ना ले आएं। वेट करें इस पैंडेमिक के खत्म होने का, तो आपके असली चेहरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल, क्योंकि नया रिश्ता ऑनलाइन बना लेना, फेस टाइम से, स्काइप से बातें कर लेना, ये सब कर लेना, क्या होगा, आपके मन में एक और वृत्ति बन जाएगी, आपके मन में एक और ऐसा सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कभी नहीं निकलेगा। एक ऐसा चोर आपके मन में फिर से बैठ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा भी किया। तो फ्रेश रहिए, खुला आजादी को फील कीजिए। रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी नहीं होता है। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी इस पैंडमिक में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाइए। ये नहीं सोचिए कि अब तो वो उस ताले के भीतर और मैं इस ताले के भीतर, तो कोई कुछ भी कर सकता है, उससे और ज्यादा स्पॉइल हो जाएंगे। इसको एक तरह से एक आजादी नहीं समझें हम। असल में आजादी हमारी छिन गई है, तो इसको ये समझें कि इसमें थोड़ा सा प्रेम और गहरा अनुभव करें, क्योंकि एक दूसरे से दूर होने पर प्रेम ज्यादा जगता है, तो उसको ज्यादा जगाएं। उसको अगर वो नहीं जग रहा है तो देखिए कहाँ मन में चोर बैठा है। एक दूसरे से दूर होने के बाद हमें अच्छा फील हो रहा है तो हमारे अंदर चोर है, ठीक है। उसको फील करें, उसको हटाएं और देखिए कि जो हमसे दूर है उसकी वैल्यू हमारे जीवन में क्या है, तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा। दिस इज द यू नो लाइक पीपल हु आर इनटू रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट काइंड। सुपर्ब गुरुजी, ये मैसेज रिज्यूनेट का ही है। बेसिकली रिलेशनशिप को रिवाइव करना ही इम्पोर्टेंट है। आपको जुड़ना है और जो ऑलरेडी है उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव हो सकता है। नए नए रिश्ते भी बन जाएं तो थोड़ा सहज रहें, ज्यादा फरारी ना बने, गाड़ी को ज्यादा तेज ना दौड़ाएं, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकती है, घर की दीवारों में ही टकराती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सहज रखें और don't do fake promises to people. That's what I can do because you are on phone, you are online, you are living in a world. हम और आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा हैं, तो मेरे किए हुए प्रोमिसेस पता नहीं कब एग्जीक्यूट होंगे, तो मुझे सहज रहना चाहिए फालतू के प्रोमिसेस करने से और बाकी सब चीजों से। तो क्योंकि गुरुजी आज टीचर्स डे है ना, इसलिए गुरु और एक शिष्य की बात करी जाए थोड़ा बहुत। तो स्टूडेंट्स जो आने वाले का कल का भविष्य है, उनकी पूरी एजुकेशन का स्टाइल बदल गया। अब ये रियल टेस्टिंग टाइम है कि एजुकेशन हैज बिकम चैलेंजिंग जी है। तो गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है अब इट इज बिकम वर्चुअल ओनली, जो अभी हम बात कर रहे हैं। सो इंटरफेस भी बदल रहा है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सुविचार दीजिए। बेसिकली क्या उनको फॉलो करना चाहिए, किस हिसाब से देखिए आगे बढ़ना चाहिए? मेरे गुरु का कहना है, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं, मैं भी किसी का शिष्य हूँ। हो सकता है मैं कुछ लोगों का टीचर हूँ, लेकिन मैं भी किसी का शिष्य हूँ। और उन्हीं की शिक्षा की वजह से आज संभव हुआ है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इस योग्य बना हूँ कि मैं आपको आंसर दे सकूँ। ये उन्हीं की ही कृपा कह लीजिए, उन्हीं की दया दृष्टि कहिए या उन्हीं का ही नेतृत्व कहिए, उन्हीं की गाइडेंस कहिए कि मैं इस योग्य बना। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आपने शिक्षा ली है, जिससे आपने एजुकेशन ली है, वो चाहे लाख बुरा हो या लाख अच्छा हो, उसने आपको कुछ ऐसा दिया है कि आप आज योग्य बन गए हैं कहीं खड़े होने के, कुछ बोलने के। तो उस भाव को हमेशा बना के रखें, सद्भाव। और मेजर चीज याद रखें, देखिए एजुकेशन नॉलेज गूगल से अच्छा कोई नहीं दे सकता। मैं ये बात कहूंगा, एक टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता है जितना इजी आज गूगल पढ़ा सकता है। एक टीचर से अगर आप सवाल पूछोगे तो वो ये कह सकता है कि मैं कल बताऊंगा, शायद उसको भी ये नॉलेज नहीं। लेकिन यहाँ तो आप कुछ प्रश्न पूछिए और उसका आपको जवाब नहीं मिला तो आप एक और दूसरा प्रश्न, दूसरे लिंक खोलकर एक बार और दोबारा टाइप करेंगे तो उसके 1000 आंसर मिल जाएंगे। सो गूगल इज द बेस्ट टीचर इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, बट नो। शिक्षक का जो असली भाव होता है वो एक रिश्ता है, एक रिश्ता है जहाँ शिक्षक ये सोचता है कि मैं अपने शिष्य को उस उच्च कोटि तक, उस अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा, और उसके पीछे हर एफर्ट करता है। वो इमोशनल एफर्ट करता है, वो साइकोलॉजिकल एफर्ट करता है, वो उसको कभी डराएगा, कभी धमकाएगा, कभी अपलिफ्ट करेगा और फिर उसको समझाएगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है उसको गूगल ये थोड़ी बोलेगा, यू आर वेरी एलिजिबल, यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई बिलीव इन यू। गूगल तो नहीं बोल सकता ना, ये वो टीचर बोलता है, वो शिक्षक बोलता है। आपकी क्षमता को एक शिक्षक पहचान सकता है, गूगल नहीं। तो हमेशा याद रखें, हमेशा इस भाव को याद रखें कि टीचर की वैल्यू, शिक्षक की वैल्यू, गुरु की वैल्यू गूगल या फिर कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी कभी नहीं ले पाएगी। हमेशा अपने टीचर्स को जो प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, गूगल को दे रहे हैं, ऑनलाइन पे जाकर अवॉइड कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, आई रिक्वेस्ट देम, योर टीचर्स आर स्टिल सिटिंग देयर एंड थिंकिंग अबाउट यू। चाहे उनको सैलरी मिलती है, चाहे उनको टारगेट पूरा करना है, चाहे उनके भाव आपसे जुड़े हैं। 3 साल मेहनत करके इस भाव को पैदा किया है कि मैंने 3 साल इनके ऊपर काम किया है, अब 2 साल बाद। ये सिर्फ एक टीचर सोच सकता है, और एक टीचर ही है जो हर साथ घुल जाता है और उसके साथ रोता है, हंसता है, रुलाता है, हंसाता है और उसको अपलिफ्ट करता है। सो इस चीज को, इस टीचर की इंपॉर्टेंस को कभी खत्म ना करें, कभी भी। प्रेफरेंस गूगल है, गूगल ज्यादा नॉलेज दे सकता है, बट आपके अंदर जो एक रियल स्टूडेंट जो इवॉल्व होगा, जो रियल स्टूडेंट मतलब जो अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, वो एक टीचर ही कर पाएगा। सो ऑलवेज बिलीव इन योर टीचर्स, ऑलवेज गिव देम योर फर्स्ट प्रायोरिटीज, डोंट फॉरगेट टू गिव देम रिस्पेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट दैट इमोशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। उसको कभी ना भूलें, अपनी प्रेफरेंस उनको पहले दें। हो सकता है टीचर आजकल गूगल के जितने इंटेलिजेंट नहीं है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस आई कैन से, एंड दिस इज द थिंग आई कैन स्पीक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है, खूब जम के पढ़ाई करें, गूगल से करें, यूट्यूब से करें। गूगल बाबा और यूट्यूब बाबा सबसे इंटेलिजेंट है, इनसे ज्यादा कोई नहीं है। बट दे वोंट मेक यू फील दैट। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो गूगल आपको ये नहीं बोलेगा कान पे थप्पड़ मार के, याद करो, तुम्हें याद हो जाएगा, तुमने पहले याद किया था, आई नो यू कैन लर्न। वो गूगल नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज कीप इंटरेक्टेड विद योर टीचर्स, डोंट लूज दैट इंटरेक्शन, उनसे डिस्कनेक्ट मत होइए। इफ दे आर अवेलेबल देन यू शुड बी देयर। सो गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन इंफॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, विजडम नहीं हो पाएगा। आप इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप उसी लेवल पर रहेंगे। कुछ और ये एक्सेप्शन केसेस भी हैं, ऐसे भी लोग हैं कि गूगल से ही सब कुछ कर जाते हैं। पर आप ये समझिए कि जो लोग बिना गुरु के सब कुछ किए जा रहे हैं, आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर उनके जीवन में एक और ऐसा गुरु कोई आ जाए कि उसके बाद भी ये बोले कि ये जो आपने अचीव किया है, ये जो आप इस दुनिया के प्रधानमंत्री बन गए हो, ये जो आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट चेस प्लेयर बन गए हो, ये जो आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्फॉर्मर बन गए हो, जनरल नॉलेज के स्टूडेंट बन गए हो, जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा हो गई है। एक गुरु जो उसकी भी क्षमताओं से ज्यादा है, बैठा है वहां पर, या उसकी क्षमताओं से कम है, उसकी बुद्धि उतनी नहीं है, वो पीछे से अगर उसको बोले कि आपकी क्षमता यहाँ खत्म नहीं होती, यू स्टिल हैव लॉट मोर, तो आप समझिए कि वो एक और लेवल ऊपर जाता है। सो माई ओनली रिक्वेस्ट, इफ यू हैव अ टीचर, बिलीव इन देम। उन पर डाउट मत करो। हो सकता है वो आपसे कम नॉलेजेबल हो हो सकता है वो ज्यादा लथार्जिक हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन अगर वो एक शिक्षक है, वो लिटरली शिक्षक है, वो अपना धर्म निभा रहा है शिक्षक होने का आपके जीवन में, तो आप समझिए कि आपकी एबिलिटी को वो कभी भी रुकने नहीं देगा। आपकी जो पोटेंशियल है वो उसको कभी भी आपको ये रियलाइज नहीं होने देगा कि इट्स ओवर नाउ, आई कैन नॉट गो फर्दर देन दिस, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड देन दिस, आई कैन नॉट गो अबाउट दिस। तो एक जैसे स्पोर्ट्स में एक गुरु होता है, तो वो हमेशा अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता रहेगा, अगर कोई एक स्प्रिंट लगा रहा है 10 सेकंड में 100 मीटर का, तो वो उसको बोलेगा यू कैन डू इट इन इवन 9। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसको पीछे खड़ा होकर उससे ज्यादा देर से चिल्ला कर बोल सकता है यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। वो एक टीचर ही बोल सकता है। तो आपके जीवन में एक टीचर, एक गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वैल्यू खत्म ना करें, चाहे ऑनलाइन आ जाए चाहे ना आ जाए। हमारा जो वैदिक सिस्टम था वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। एक एज में जहाँ हम भी रिजॉइस कर सकते हैं, आपके वे से जो रिजॉइस है, जो लोगों के लिए नॉर्मल जो एंजॉयमेंट होता है, खाना पीना कूदना घूमना, वो सब कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, अदर पीपल कैन डू दैट, इफ दे आर टेकिंग दैट responsibility for being a teacher or being a guru to somebody. It means they're doing something great job. They're really doing a great job, and everybody should seek a person like that who are doing such jobs in their life. फिर वो कोई भी हो, चाहे हमारे समाज के कैसे भी गुरु हो। कुछ ऐसा भी नहीं होता है सब गुरु, एक गुरु सबके लिए बराबर होगा, बुरा होगा, पर कोई भी गुरु है वो किसी के ना किसी के लिए जीवन में अच्छा होता है। वो सबके लिए बुरा या सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता एक टाइम पर। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उनकी रेगुलर रिस्पेक्ट करते रहें। और गुरुओं से एक मैसेज है कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको लोग अपने वैल्यू दे रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको समझते हैं, तो आपको अपने आप को भगवान या आपको अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ लेना चाहिए। अपने आप को एक स्टूडेंट वाला भाव भी आपके अंदर रहना चाहिए कि एक समय ये था कि मैं भी शिक्षक था, तो अगर यही घमंड, यही भाव मेरे गुरु ने मुझे दिखाई होती तो मैं इस योग्य नहीं बन पाता। जो गुरु बनते हैं, उनके गुरु उनको बहुत नीचे स्तर आकर उनको चीजें सिखाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं उनके साथ। और फिर जो लोग गुरु बनकर ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके गुरु ने उनको कैसे डाउन टू अर्थ आकर सब कुछ नॉलेज दिया है। तो इसी तरह उन्हें हमेशा हर एक जो व्यक्ति उनसे सीखना चाहता है, उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। मैसेज फॉर बोथ द साइड्स। सुपर्ब। I hope people who are watching this are gaining from this. Ji. So Guruji, we have something now for housewives, homemakers. जिनकी responsibilities and duties double हो गई है pandemic situations में. तो उनको you know housewives का तो experience नहीं है. मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ. मैं इस बारे में कुछ अच्छा कह पाऊंगा, बता पाऊंगा, सजेशन दे पाऊंगा कि नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फैमिली में मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होती है एक स्त्री, एक औरत, एक वाइफ, जो किचन का काम संभालती है, जो आपकी कचरे को संभालती है, जो आपकी फैली हुई गंदगी को ऑर्गेनाइज करती है। वो उससे बेचारी परेशान भी होती है, फिर भी वो दिखाती रहती है कि मैं खुश हूँ। बहुत कम शिकायतें करना शुरू करें। इस सिचुएशन में शिकायतें कम करें, क्योंकि पुरुष का या मेल्स का नेचर क्या होता है, उन्हें हमेशा ये लगना होता है कि वो सख्त है, वो डोमिनेंट है, उन्हें हमेशा राजा जैसा अनुभव चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि अगर वो राजा जैसा अनुभव चाहता है तो वो आप ही के घर में चाहता है, वो किसी और का राजा नहीं बनना चाहता। यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ किंग इन योर हाउस एंड यू आर द क्वीन। तो वाइफ्स को हमेशा वो भाव रखना चाहिए कि हम रानी हैं और हमें हमारे राजा के प्रति या फिर हमारे जो हमारा धर्म है उसके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ना कि ये कहना चाहिए कि मैं दिन में 50 बार सब्जी बनाती हूँ और तुम एक बार भी यहाँ से उठते नहीं हो। अगर आप करोगे उस चीज को, उस भाव को दिखाओगे, तो राजा को भी खुद शर्म आती है कि हाँ, रानी 24 घंटे काम करती है, तो वो भी उसका हाथ बटाना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। ये एक नेचर का दिया हुआ एक एटीट्यूड होता है मेल्स को, जो कि बहुत खोखला होता है कि वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत डोमिनेंट हैं। ऐसा नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल शक्ति ही प्ले करती है, स्त्री ही प्ले करती है, वाइफ ही प्ले करती हैं, और उन्हें अपने रोल को प्ले करने में ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, ना कि शिकायतें। बाकी सब चीजें अच्छी ही चलती जाएंगी। अगर आप समझिए, फीमेल्स का ये स्वभाव होता है, उनका इतना मीठा नेचर होता है कि अगर किसी दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो हस्बैंड ये भी इसमें नमक ज्यादा है, और वो बुरा मान सकती है, बिल्कुल उसका बनता है, वो प्रेम स्वभाव से बनाती है, उसको बुरा लगेगा। लेकिन वहीं अगर ऐसा कुछ हो जाए और हस्बैंड्स ये कह दें, उसको खा लें, शिकायत ना करें और धीरे से प्यार से बता दें कि इसमें नमक ज्यादा था, तो उसको तुरंत ही देखें कि उसका दिल फूट के आ जाएगा कि आज मैंने नमक ज्यादा डाला और उसने फिर भी खा लिया, बोला नहीं, तो वो अगले दिन 4 बार सब्जी को चक्कर फिर दोबारा से सब्जी बनाएगी। तो मैं तो ये कहूंगा, फीमेल्स, वाइफ्स, हाउस वाइफ्स आर सच ए ब्यूटिफुल एलिमेंट इन एक्चुअली इन अ फैमिली। तो उन्हें अपनी वैल्यू को हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, और उनके थोड़ा सा गुस्सा होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, और उनके थोड़ा सा हंस के रहने से सारा सिस्टम मैनेज रह सकता है। मर्द क्या होते हैं, वीक होते हैं, उनको क्या है, झूठा घमंड रखना होता है और झूठा प्रोजेक्शन करनी होती है कि मैं ताकतवर हूं। तो उस चीज को अंदर अंदर समझें कि कोई बात नहीं, बेचारा थोड़ा सा घमंड दिखा रहा है तो दिखा सकता है, इट्स ओके। तो इस तरह से चीजें हमेशा सुंदर रहती हैं और आपका रिश्ता और गहरा और मीठा चलता जाता है। दिस इज लाइक आई कैन जस्ट, मैं इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ, तो आई कैन जस्ट अप्रिशिएट हाउस वाइफ्स कि वो अगर ऐसा नेचर रखें तो दे कैन लीव ए प्रिटी ब्यूटिफुल लाइफ, लाइक लॉन्ग वन, अच्छे से खूबसूरत जी सकते हैं। जैसे कि हम फीमेल्स की बात कर रहे थे, तो एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, डाइट। एक पेंडेमिक टाइम है, द काइंड ऑफ डाइट वी शुड यूज एंड सम आसनास or yogas or anything which we can physically be active with. Something important you have asked, I can answer well now. अभी मुझे लगता है कि मुझे आसानी होगी, मेरे काम का बात हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ हमारी लाई करती है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सबसे ज्यादा हम बीमार होते हैं हेल्थ वाइज, लाइक फिजिकल या मेंटल वाइज, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन लेवल ज्यादा हो जाता है। और हम 2 चीजें कर सकते हैं, अपनी बॉडी का इन्फ्लामेशन लेवल कम करने के लिए कुछ ऐसा खाना खाएं कि इन्फ्लामेशन कम हो, सिटी का लेवल कम हो जाए। दूसरा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोर एक्टिव एंड मोर रिजुविनेट हो जाए। ज्यादा एक्टिव होने के लिए ज्यादा उसको मूव करना होता है स्पेसिफिक वे में। तो आसन का साइंस पूरा आप समझ जाएंगे इस चीज को, अगर आपने समझ लिया। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा स्पाइनल कोड और हमारा ब्रेन, मतलब द ओनली, यही दोनों पार्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि दिमाग तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो इस हेड गियर को तो छोड़ दें, इसको तो अभी छोड़ दें। अभी बात करते हैं स्पाइनल कोड की, क्योंकि दिस इज द ब्रिज, ये ब्रिज है, ऊपर जो यहाँ चला हुआ है और जो पूरी बाकी की बॉडी है, इसको कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड, हमारी रीढ़ की हड्डी, विच इज लाइक आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड इट्स लाइक द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रिज, ये एक पुल है जो कि इंफॉर्मेशन को दिमाग से बॉडी तक ले जाता है। तो इस पुल को हेल्दी रखने के लिए आपने देखा होगा, आप किसी भी योग आश्रम में जाएंगे, आप किसी भी योगा सेंटर पे जाएंगे, तो वहां पर आपको सीधा बैठने के टाइम पर भी बोलते हैं सीधे बैठिए, ऐसा करिए, और ज्यादातर बोलेंगे कि झुककर नहीं बैठिए। कुछ लोग आडंबर रच रहे हैं, कुछ लोग अपनी और नई नई नौटंकियों के साथ आ रहे हैं जो बोलते हैं कि कैसे भी बैठ जाओ, कमर लगा के बैठ जाओ तो भी सब काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्पाइन हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। वुमेन्स को, जिनको ज्यादा लोअर बैक पेन रहते हैं, जिनको मिडिल बैक पेन रहते हैं, जिनको अपर बैक पेन रहते हैं, उनको समझना होगा स्पाइन की लेंथ बढ़ानी है। स्पाइन की लेंथ कम हो जाती है तो बीमारियां जनरेट होना शुरू होती है, मेजर सी बात है। दिस इज ए स्पाइनल कोड, बीच में डिस्क लगे हैं, उनके बीच में से नर्व्स निकली होती हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड की। जब इसमें गैप कम होगा तो वो नर्व्स दब जाती हैं, उनके नर्व्स के दबने से, और वो नर्व्स ही हैं, आप समझिए हमारे स्पाइनल कोड में ही ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चक 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 करते हैं ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो क्या होती है, वो दब जाती है। हम नेगेटिव बातें करेंगे क्योंकि ऊपर से तो सोच अच्छी आ रही है, बॉडी काम नहीं कर रही है, या ऊपर अच्छी सोच ही नहीं जा रही क्योंकि बॉडी कुछ अच्छा बाहर से परसीव ही नहीं कर पा रही है। वो क्या कारण है, हमारी वेगस नर्व जैसी नर्व्स होती हैं जो हमारी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखती हैं, हमें खुश रखती हैं, हमें दुखी करती हैं। हमारे ऊपर से केमिकल आता है खुश करने के लिए, लेकिन बॉडी में वो सिक्रीट होकर बाहर नहीं जाता है। सबसे पहला है लेंथन योर स्पाइन। स्पाइन को लेंथन करना शुरू करें, कुत्ते की तरह अंगड़ाई लेना शुरू करें, अच्छे से अंगड़ाइयां तोड़ते ही आपको पता है कितना रिलैक्स फील होता है। ऐसा क्या है उस अंगड़ाई में? ऐसा कोई नशा है? ऐसा लगता है जैसे अंगड़ाई तोड़ते ही ऐसा लगता है कि सब आनंदित हो गया है, बिल्कुल लगता है। तो कम से कम दिन में 10 बार अंगड़ाइयां तोड़ना शुरू करें, ठीक है, अच्छे से। और ऐसे नहीं कि आपने ऐसे धीरे से अंगड़ाई तोड़ लिया, लंबी। आपने किसी डॉगी को देखा है, जब तक उसका बम बिल्कुल पीछे नहीं चला जाता और उसका हेड पूरा आगे नहीं आ जाता, वो बिल्कुल स्ट्रेच करता ही रहता है, जिसको अधोमुखा शवानासन बोलते हैं। पहला आसन है, जितना ज्यादा कर सकते हैं अधोमुखा शवानासन करें। और अधोमुखा शवानासन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कभी, क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ करेक्ट करने के लिए, कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, एक चीज को दिमाग में डाल लें। अधोमुखा शवानासन में इस तरह से करते हैं, आगे हाथ होते हैं, पीछे पैर होते हैं, बीच में हिप्स होते हैं। तो हमारी स्पाइनल कोड बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ फेस करनी चाहिए। लोगों की स्पाइन ऐसे रहती है, इस तरह से, यहाँ स्पाइन होती है वो ऐसे मुड़ी रहती है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, सीधा करने का। और फिर उसे लेंथन करना होता है, लंबा करना होता है। आपको जीरो स्ट्रेस लेवल हो जाएगा जिस दिन आपको अधोमुखा शवानासन में आपके पैरों पर और हाथों पर इक्वल वेट हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, आपकी एड़ियां जमीन पे लगी होंगी और आपका बॉडी बिल्कुल लाइन में होगा। आपका स्कैपुला और आपके हाथ, आपकी कमर एक लाइन में होगी और आपके पैर बिल्कुल सीधे होंगे, आपके घुटने नहीं मुड़े होंगे। सभी जाके इसे गूगल कर सकते हैं। आपकी एड़ियां जमीन में लगी होगी और आपके पंजे आगे से उठे होंगे। तो आपको अगर अधोमुखा शवानासन इस तरह से करना है, आप समझ लीजिए, आप करते जाइए, अपने उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करें कि आपकी रिब्स बिल्कुल ढीली हो जाएं, आपकी पसलियों को नीचे ढीला छोड़ दें और उसमें वेट करें और एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, विटनेस करें कि आपकी बॉडी का वेट आपकी हथेलियों पर और आपके पैरों पे, तलवों पर बराबर हो गया है, 50-50। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अब रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। अब आपकी बॉडी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका मेंटल हेल्थ, आपका कार्डियोवास्कुलर, आपके पैरों की स्ट्रेंथ, सब कुछ रिवाइव करना शुरू कर देगी। दिस इज सच ए ग्रेट आसना और इसको रिलैक्सिंग आसन बोला गया है। अब जो भी लोग इसको सुनने के बाद इसको करेंगे उनको रिलैक्स बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज योर पोस्टीरियर पार्ट इज डैमेज्ड। हमारी बॉडी का जो पोस्टीरियर है, हमारा सर्वाइकल, हमारा थोरैसिक, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारा पोस्टीरियर नी, हमारे काफ्स, हमारा कैनिकल स्पर्स, मतलब पीछे का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया है। कारण है आधुनिकता ने बनाई कार, आधुनिकता ने बनाई ये सोफे जिस पर आप बैठे हैं, तो सब कुछ डैमेज ही कर देते हैं। ना पीछे ब्लड सर्कुलेट होता है, ना पीछे से प्रॉपर स्ट्रेच होता है। तो उसको तरीके से होल्ड करना शुरू करें। अधोमुखा शवानासन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको इसमें किसी को हेडेक होने लग जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अपने सर के नीचे एक तकिया रख लें और उस पर अपना हेड रेस्ट कर दें, सपोर्ट कर दें। तो आपकी बॉडी का, आपके अपर लोब का, आपके मिडिल रीजन से बीच का हिस्सा नीचे की तरफ, मतलब आपके हिप्स से नीचे का हिस्सा, आपका सारा खून आपके सर में आना शुरू हो जाएगा। तो जो मेडिकल कॉन्सेप्ट है दैट यू शुड हैव 60% ऑफ ब्लड सर्कुलेशन गोइंग ऑन ऑफ योर बॉडी इन योर हेड। आपके दिमाग को, मस्तिष्क को 60% खून की जरूरत होती है, वो आना शुरू हो जाएगा। आपका न्यूरॉन्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, आप उसमें रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे। जिस दिन आपके घुटने, पीछे का घुटना दर्द करना बंद कर दे, जिस दिन आपके कंधे दर्द करना बंद कर देंगे अधोमुखा शवानासन में, उस दिन आप ये समझ लीजिए आप एक स्टेप उस वर्ल्ड में रख लेते हैं जहां पर मेटा ह्यूमंस रहते हैं। बस उस दिन आप एक गजब की मनोस्थिति को अनुभव करना शुरू करेंगे। दिन में 10 बार अंगड़ाई और 10 बार अधोमुखा शवानासन, आप इतना अच्छा रिलैक्सिंग फील करेंगे, अनबिलीवेबल, बहुत ज्यादा अच्छा। उसमें होल्ड करना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, देन द बेस्ट आसना इज सुप्तबद्धकोण आसन। आप सीधे बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों के तलवे मिलाकर और घुटने बाहर की तरफ खोल दें। हमें जो ये बटरफ्लाई करने को बताया है, ये महाबेवकूफों की उपज है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको करने से आपका जो आपके जो मिनिमस ग्लूट्स होते हैं और जो आपके मैक्सिमस ग्लूट्स होते हैं, इनमें झटके आने की वजह से ये और स्टिफ हो जाते हैं, तो आपको और दिक्कत हो सकती है, आपको आगे चल के एवीएन जैसी बीमारी डेवलप हो सकती है, आपको लिगामेंट ब्रेक भी हो सकता है। और इवन जिसकी स्पाइन नीचे से टेढ़ी है और वो ऐसे बटरफ्लाई करके झटके मारते रहते हैं, उनका प्रोस्टेट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप याद रखिए, आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, एक ब्लॉक पर बैठें, एक कपड़े को थोड़ा इतना मोटा करके बैठें और उस पे अपने घुटनों को खोलकर पीछे की तरफ लेट जाएं। लेटते वक्त अपने थोरैसिक के नीचे कोई भी कपड़ा इतना मोटा करने के बाद अपने थोरैसिक रीजन के नीचे लगा लें, जिससे कि आपकी छाती थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाए। तो आप उसमें रिलैक्स करेंगे तो आपकी सांस जो है, जो आपका कुंभक लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। आप अंदर की तरफ सांस ज्यादा रोक पाएंगे, आप बाहर भी ज्यादा सांस रोक पाएंगे। तो आप आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लंबा होना चाहिए, विच प्रूव्स कि आपका थाइमस ग्लैंड, जो कि आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है, जो कि इम्यूनिटी का वेयर हाउस है, जो कि बाहर से आने वाले थाइमोसाइट्स, टी सेल्स, मतलब वो बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन पार्टिकल्स या वायरस जैसे कोई भी, चाहे भी कोविड-19 हो या बुखार जुकाम नजला, कोई भी ऐसी चीज है, उससे बचाता है आपका थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। जैसे हनुमान जी अपनी छाती खोल के, तो ये समझ लीजिए बाहर से अब उनके अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, उन्होंने अपनी छाती को इस तरह से खोल दिया है। इस तरह से अपनी छाती को हाथों से नहीं खोलें, रिलैक्स करके खोलें, उसके नीचे कुछ लगा लें और आराम से लेट जाएं, जिससे कि आपका रिब केज एक्सपेंशन हो जाए। तो आपका थाइमस ग्लैंड का एक्सपेंशन होना शुरू होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऊपर से आपके इंटरकोस्टल मसल्स, आपकी पसलियों के ऊपर जो मसल्स होते हैं, ये खुलना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपके लंग्स ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके आ सकते हैं और ज्यादा कार्बन को बाहर फेंक सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका रिप्रोडक्टिव, आपका इम्यूनिटी दोनों रिवाइव होगा बद्धकोणासन करने से। सुप्त बद्धकोणासन, सुप्त वीरशासन भी कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको इनका पूरा वो आ जाएगा। और या फिर हमारा जो मिडवे सीकर का पेज है, वहां पर भी हमने इनका वे डाला हुआ है। मैं वही बोलने वाली थी गुरुजी कि आपके पास इन सब आसन के कोई डेमोज या वीडियोस, और मैंने आप देखा है लॉकडाउन के टाइम पे आपने बहुत फ्री सेशंस दिए। हाँ, तो उसमें ये सारे आसन। मैं आपको एक न्यूज दे देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर ग्रो कर रही है तो वो वेलनेस इंडस्ट्री है, और योगा सेंटर वाले लोग आजकल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और मैं इनको नीचे नहीं लाना चाहता, बट मैं इनको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो आपका पहला मैसेज था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि जब मेरी इस सिचुएशन में मैं कोई काम ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा खाना भी कम हो गया है। पहले मैं 2 समय खाता था, अब मैं एक ही समय खा पाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, तो मेरी बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे कपड़े भी कम धुलते, तो मेरे खर्च कम हो गए हैं। अपनी सेवाएं ज्यादा करने के लिए वी आर कमिंग अप अगेन फ्री लाइव सेशंस के साथ में। जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता है, वी विल बी डूइंग लाइव सेशन फॉर फ्री ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक ऑन ए हिमालयन योगी, एंड मिडवे सीकर के नाम से यूट्यूब है, उस पर भी फ्री होगा, फेसबुक है मिडवे सीकर के नाम से, सब जगह फ्री। एंड आई एश्योर and I challenge, openly challenge to every yogi in this world कि हम best से best योगा करेंगे और free में करेंगे। जब तक पैंडेमिक चलेगा तब तक कराते ही रहेंगे। ईश्वर ने अगर हमारे योगा सेंटर पे बिजली ही तो गिरा दी, तो हो सकता है बंद हो जाए, नहीं तो हम निरंतर करते रहेंगे। मेरा मैसेज होगा ये उन सभी योगियों को जो हजारों करोड़ों बना के बैठे हैं, उन लोगों को नहीं जो बेचारे 300-300 रुपए और 200-200 रुपए और 1000-1000 रुपए रोज कमा रहे हैं। वो कमाते रहें, क्योंकि उनका और कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो वो करते रहें। इट्स गुड, क्योंकि वो कमा भी रहे हैं, एक इंडस्ट्री भी बढ़ा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं और लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हजारों करोड़ बना के बैठे हैं, ये मेरा खुला तमाचा है उनके मुंह पर कि ऐसे लोगों को योग कराना चाहिए इस तरीके से। और हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक मेरा एक ऐसे कोशिश है कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी ये नहीं है कि मेरे पास फरारी तो नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं दी हैं, मेरे पास जी वैगन तो नहीं दिया उसने घूमने के लिए, पर उसने मुझे इतना भोजन दिया है कि मैं अपना ताउम्र खा सकता हूँ। उसने मुझे ऐसी हेल्थ दी है कि मैं हमेशा अच्छे से जी सकता हूँ। मुझे काफी कुछ दिया है, तो इससे मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ अपनी पूरी कंट्री को। और हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि आउट ऑफ द कंट्री भी हम ये करें, तो हम इंग्लिश में भी एक सेशन करें, एक सुबह एक शाम को। तो ज्यादातर कोशिश है, हम 2 टाइम में से 1 टाइम चुनने वाले हैं, सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6। तो इन दो टाइम पे हम फ्री लाइव योग कराएंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पर, और इसमें हम गिव अवेज भी करेंगे लोगों को, कोशिश करेंगे कुछ योगा मैट्स भिजवाकर, कुछ कैसे करके जो लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर होंगे उनको हम अपनी तरफ से सपोर्ट भी करेंगे। तो इसको मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग आए, लाइव ज्वाइन करें, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में ये रेडी हो सकता है। मैं अब की बार इसको और अच्छे से करना सोच रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू गो पैन इंडिया। तो पहली बार करीबन 4000 लोगों ने बेनिफिट उठाया था, मुझे 4000 लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए थे, मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल जैम हो गया था। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ लोगों को और अच्छे वे से कराने के लिए मैंने अपने ही कुछ लोगों को बोला है कि हम लोगों के कुछ, मेरे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं कोटा में, तो उन लोगों का हमेशा भाव रहता है अच्छा करने का। तो वी आर कमिंग अप वेरी प्रोफेशनली, हम पूरे अब की बार हाई एंड कैमरास के साथ और प्रोफेशनल स्टूडियोज के साथ आकर वी विल एग्जीक्यूट दिस फॉर फ्री। जी वेरी गुड गुरुजी, ये भाव अगर हर किसी का हो जाए तो शायद दुनिया बदल ही जाए पूरी तरह से। कोई बात नहीं, हम दुनिया को अकेले बदलने की ताकत रखते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, जो बुरे लोग हैं वो 50% और 30% में करते रहे अवेलेबल, उनकी दुकानें हम बंद कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। सही है गुरुजी। गुरुजी देखिए, ऑडियंस ने आपको इतना देखा, आपके बारे में इतना जाना। एक तो मैंने खुद पर्सनली आपके जो आसन्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखे हैं, आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अब तो मैंने खुद अपने वो वोटिंग में आपको था ना कि 5 to 6 PM या 7 to 8 AM, मैंने शाम वाला सेशन प्रेफर किया है ज्वाइन करने के लिए अपनी तरफ से। तो आई विल बी देयर विद यू। एक तो ये हो गया, तो सारी ऑडियंस जो देख रही है वो आपके मिडवे सीकर और हिमालयन योगी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। बट आज जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू और व्हाट क्लिक्ड इन योर माइंड एंड यू हैव गॉन डीप डाइव कि आज जो नॉलेज आपके पास है शायद लोग मिस कर रहे हैं, ऐसे टाइप की नॉलेज। तो आपकी जर्नी सो फार थोड़ा सा अगर आप बता दे तो। देखिए कई सारी चीजें हुई हैं जिन्होंने मुझे ये सिग्नल दिया है, मुझे रिमाइंड किया है दैट मेरा पर्पस कुछ और है। मैं बचपन की एक छोटी सी कहानी आपको बताकर आई वुड समराइज दिस। एक अभी की भी बता सकता हूँ और एक बचपन की भी बता सकता हूँ, आपने इतने प्यार से पूछा है। मैं कोई इतना ज्यादा, आप मुझे ऐसे फील करा रहे हैं कि जैसे कि मैं सबसे ज्यादा फेमस योगी हूँ इस पूरे समाज का, ऐसा नहीं है। इसको मैं आपको बोलूंगी आप फेमस क्यों हैं, जो हमारे दिल में, जैसे मैंने आपको फॉलो किया वाया फ्रेंड और मैंने बाकी जो आपके बारे में जाना। देखिए गुरुजी, जानने का सबको हक है, राइट ऑफ नॉलेज, जो आपके पास है वो सबको मिलनी चाहिए। आप दे रहे हैं तो उसको सराहना चाहिए। बचपन में मेरी माताजी ने हम बहुत सारे फैमिली गैदरिंग था, हमारे रिलेटिव्स वहां पर थे, तो मेरी ऐसे हमारा एक रिश्ता होता है, हम भाभियों के साथ बहुत मजाक करते हैं, सबको करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था बचपन से ही। तो मुझे कभी मेरे टीचर ने या कभी मेरी जो मेरी एक दूर की भाभी होती थी जिनके साथ मैं मजाक किया करता था, ये मेरी माताजी मुझसे पूछा करती थी, कोई भी मुझसे फैमिली में पूछा करता था। जब मेरे घर में फैमिली में गैदरिंग में किसी ने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो तो बड़े होकर, तो मैं ऐसे बहुत ऐसे ना हवा में आ जाकर और छाती छोड़ी करके बचपन में बोलता था। मुझे अवेयरनेस नहीं थी उसमें, बट वो शायद ईश्वर था कि मेरे अंदर से वो ऐसी बातें मुझे बुलवाता था। नाउ इफ आई जस्ट गो बैक एंड थिंक अबाउट दैट टाइम, तो मुझे पता लगता है कि हाँ, असल में उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनूंगा, मेरी कोई डिजायर नहीं थी। मैं बोलता था मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि जिससे कि मेरे सारे रिश्तेदार एकदम फेमस हो जाएं, सारे रिश्तेदार एकदम हो जाएं। तो बचपन में यही बोल सकता है बच्चा। जब मैं स्कूल में था, जब मेरे टीचर्स ने मुझसे पूछा तो मैंने वहां पर ये बोला मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि मेरे स्कूल का नाम बहुत फेमस हो जाए, मेरे टीचर्स को सब जाने और मेरे दोस्तों को सब जाने। जब मैं बड़ा हो गया और थोड़ा थोड़ा कॉलेजेस में आ गए, एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उस टाइम मुझसे पूछा गया कि व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या करना चाहते हो, कैसे क्या बनना चाहते हो। तो मेरी स्ट्रीम, मेरा बैकग्राउंड फैमिली का, ये फिर मेरा स्कूल, कभी भी ये डिसाइड नहीं कर रहा था। इवन इन कॉलेजेस ऑल्सो आई वाज नॉट सर्टेन अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकमिंग एन इंजीनियर, बिकमिंग एन, कुछ भी ऐसा सर्टेन नहीं था। और मैं हमेशा ये कहता था कॉलेज में आने के बाद दैट आई विल डू समथिंग फॉर दिस नेशन, मैं कुछ अच्छा लिख कर जाऊंगा कि ये नेशन के काम आ जाए, लोगों के काम आ जाए। बिकॉज मुझे लिखने का बहुत शौक है, आई कीप राइटिंग ऑल द टाइम। तो मेरा पीएचडी भी इसी में है। तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट, वो परसेप्शंस ब्रेक हो जाएं जो लोगों ने सेट कर दिए हैं। जो एक लेख होता है वो किसी को बुरा प्रूव करता है, किसी को अच्छा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक ऐसा लेख लिखने की जिससे कि ना कोई बुरा प्रूव हो, ना कोई अच्छा, सब ही उस लेख से पॉजिटिव फील करें, सबके लिए वो लाभदायक हो और वो एक अच्छी दिशा में हमारे कंट्री को, इस नेशन को लेकर जाए जो कि अलग अलग पीड़ाओं से गुजरा है, अलग अलग प्रॉब्लम से जा रहा है। तो मैंने तो पीएचडी करके ये पाया कि पीएचडी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, जीरो, डम्प, नथिंग। और कुछ बस अंग्रेजी बोलने के अलावा और मैकबैथ, जूलियस सीजर और ये फिलॉसफी, वो फिलॉसफी, कुछ नहीं, अलग चीजें कुछ नहीं सिखाई। और उसके अलावा कोई फालतू नॉलेज नहीं मिला। अगर वो नॉलेज है तो वो हम सबके अंदर है। और मैं तो ये कहूँगा इंडियंस लोगों की तो वो ब्लड लाइन में है, वो रेस में है, वो जीन्स में है कि हम मल्टी डाइवर्स हैं और हमारा नॉलेज इतना ज्यादा है कि हम हमेशा से बड़ी बड़ी खोज करते आए हैं। और हम आप देखिए कि ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा ही जो सबसे डीप सब्जेक्ट है, इस ईश्वर नाम की चीज को जानना, इस प्रकृति का कहाँ से उपज हुई है ये प्रकृति, इसका सोर्स को समझना, और ये कॉस्मोस क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये धरती क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये ग्रह क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या हैं, इनको ही सबसे ज्यादा बताया है कि वो उन्होंने इस तरह से बोला है कि जो आपके अंदर है वही बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। वो सब बोलकर उन्होंने प्रूव किया है कि हम सबसे बड़े रिसर्च करता हैं, सबसे बड़े खोजी हैं और हमने सबसे गहरे और बड़े सवालों के जवाब ढूंढे हैं। तो मैं भी किसी ऐसे ही सवाल की खोज में अपने जीवन में निकला था और उसी के ही उत्तर ढूंढते ढूंढते ईश्वर ने आकर मुझे यहाँ खड़ा किया है कि लोगों को वो आंसर्स मिलें। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने साइंटिफिक एक्सपेक्ट से लोगों के लॉजिकल माइंड को, उनके इंसेंटिव ब्रेन को सेटिस्फाई करने का, उनको जवाब देने का, अपने शास्त्रों से जो वो चीख चीख कर बता रहे हैं, जो वो सब एक्सप्लेन करके बैठे हुए हैं, जिसको हमारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम साइंस का नाम देकर उस अणु की खोज करना चाह रहा है। उस अणु की, उस परमाणु की, उस प्राण शक्ति की खोज हमने हजारों करोड़ों साल पहले कर चुके हैं और उसी से ही अब ऋग्वेद के एक एक सूत्र उठाकर इस कॉस्मोस को जानने की कोशिश कर रहा है, नई नई चीजें इन्वेंट कर रहा है। तो हम बस, मैं यही चाहता हूँ कि अब हमारा जो इंडियन वैदिक सिस्टम है वो रिवाइव हो जाए, दोबारा से उसको लोग समझ लें और इस आधुनिकता का उस पौराणिकता से मेल हो जाए और लोग समझ लें कि ये पहले, बहुत पहले बताया जा चुका है, इतना बॉदरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस ईश्वर को जान भी लिया, अगर वो आपके सामने आकर खड़े भी हो गए तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर भी आप उसके दर्शन मात्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसे छू नहीं सकते, वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना निर्मल है, वो इतना छोटा है, आप उसे छू नहीं पाएंगे। आप बस उसके दर्शन ही शायद कर सकते हैं, चाहे वो साइंस से करें, चाहे वो अध्यात्म से करें। तो मैं तो ये कहूँगा हजारों करोड़ों अरबों इतना ज्यादा ना खर्च करके टेक पे, उतनी ही टेक को इस्तेमाल करें, उतना ही टेक्नोलॉजी को लाभ लें कि वो आपके लिए नुकसान ना बन जाए। फोन और लैपटॉप्स और यहाँ तक ही अच्छा है। अब ज्यादा अगर आप उड़न तश्तरी बनाने के चक्कर में लगेंगे तो वो कहीं टकरा कर भिड़ जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी और फिर भी आप कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। चांद पर जाकर आप जीवन को कष्टों में ही जीने वाले हैं, तो वहां जमीन खरीदने का कोई तुक नहीं है। ये पैसे की बीमारी है, जब ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या खरीदना, कहाँ स्प्रेड करे। चांद पर इतनी चीजें, सिलेंडर लगा लगा के क्या जीवन बिताएंगे। कोशिश करें कि इस पृथ्वी पर वो पैसा लगाकर ज्यादा पौधे लगाएं, नदियों से गंदगी निकालें, पहाड़ों से गंदगी निकालें, अच्छी हवा के लिए एसी कम कर दें, ठीक है। कमरे के अंदर मत सोचें, कमरे के बाहर भी सोचें। घर के बाहर की स्पेस भी आपकी है, घर के अंदर अंदर की आपकी नहीं है। तो अपने दिमाग को बड़ा करें, इस एसी को उतार दें। और ये गाड़ियों का जो क्या है, इसको ज्यादा कोशिश करें कि इसको ऐसी ऊर्जा पर चलाएं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। फॉसिल्स का कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको हम पानी से बांध बनाकर इजीली बना सकते हैं, उससे इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी से रिक्वेस्ट है कि अगर टेक बनानी है तो ऐसी बनाएं कि प्रदूषण कम हो, प्रकृति ज्यादा बचे। ऐसी टेक ना बनाएं कि यहाँ से उड़ के चांद पे चले जाएं और यहाँ इतना धुआं छोड़ जाएं कि आधे हजारों करोड़ों लोगों में बीमारियां हो जाएं। तो एक जेट को चलाने से या फिर एक वो उड़न तश्तरी को, उसको ना बनाकर लोगों पर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग लोगों पर ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, पानी में बीमारियां हो रही हैं, हर चीजों में, वो ना करके भाई टेक्नोलॉजी। अगर नासा ही एग्जिस्ट करती है, इतना ही दिमाग है, तो दिमाग अच्छे डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ध्यान नहीं करते। खोपड़ी में उल्टे पुल्टे चीजें चली हुई हैं, किताबें ज्यादा पढ़ के वो सोच रहे हैं कुछ ईश्वर को जमीन पे उतार के और उससे कुछ पा लेंगे। असंभव है। प्रलय आएगी तो सब साइंस धरा रह जाएगा और सब दोबारा से फॉसिल बन जाएगा। तो कोशिश करें उस प्रलय को आने से पहले इस पृथ्वी को इतना सुंदर बनाने का कि ईश्वर उस प्रलय को थोड़ा डिले कर दे। सोचे कि ये कितने समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे ही थ्रू इस चीज को अनुभव कर रहा है। और हम इसको जितना पीड़ावान बनाएंगे तो वो उसको उतना ही जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है मनुष्य मानव पीड़ा में आए। तो जब पीड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्रलय का आना निश्चित है। इस चीज को ध्यान में रखें और कोशिश करें अच्छा रहें। मेरा जो है, मेरे जीवन में कुछ इंसिडेंट हुए हैं। मैंने एक ऐसी एजुकेशन, मैंने कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेशन किया जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और जहाँ बहुत एक्सपेंसिव फीस जाती थी। तो मुझे मेरी कॉन्वेंट एजुकेशन में बहुत रिलीफ मिला। मुझे कुछ साल तक, एक साल तक करीबन फ्री में पढ़ाया गया। फिर उसके बाद में मुश्किल से मैंने कोशिश किया, मन बनाया बीटेक करने का, कुछ और करने का। उसमें प्रॉब्लम हुआ कि नहीं कर पाया, तो मैंने गवर्नमेंट एजुकेशन को सोचा लेने का। तो मैंने स्टीफेंस को ज्वाइन किया। उसके बाद में वहाँ से मैंने सोचा कुछ अच्छा आउटपुट निकालने का, वो नहीं हो पाया। उसके दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से मुझे रिवाइव किया योग ने, और योग से मुझे जो कुछ मिला, एक मानसिक संतुलन, एक शारीरिक संतुलन। तो मैंने सोचा कि जो एजुकेशन जिस वे से मैंने गेन किया, मैंने कंक्लूड किया, इससे क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ। जैसे मैंने देना शुरू किया तो उससे लोगों को ज़्यादा लाभ आए, और बस ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं मेरे अंदर एक भाव जगा लोगों को ज़्यादा देने का, ना कि लोगों से लेने का। एक छोटी सी बस यही स्मॉल जर्नी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। गुरु जी, इट इज सो इंस्पायरिंग। इट्स वेरी नेचुरल, जैसे आपका फ्लो चलता गया और जिस तरफ आपका खिंचाव बनता गया, वो आज वो बन गए आप, और वो ब्लेसिंग है आपको ईश्वर से, और वो आप बांट रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जी। तो हम तो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और आपके ये सारे मैसेजेस जो आप दे रहे हैं, वो दुनिया को अपने जरिए थोड़ा बहुत अगर हम कर सके तो वो हम वर्ड स्प्रेड करेंगे। मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, बट मेरे पास एक थैंक यू आया है पर्सनली। शिवानी वर्मा जी मेरी मदर है, वो आपको देख रही थी। शी हैज सेड थैंक यू। एंड देयर इज वन मोर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे अगर आप इजाजत हो। जी, तो पैंडेमिक ने किसी को बोल रहे हैं, हमारे दोस्त है रमाकांत, पैंडेमिक टाइम पे ना स्लीप साइकिल और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। जी। तो कोई ऐसा आसन या कोई ऐसा मंत्र चांट कर सके? मैं बता देता हूँ आपको। अपने भोजन में कम से कम नमक डालिए, थोड़ा सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिए। भोजन से पहले भोजन मंत्र का उपयोग करना शुरू करें। अगर भोजन से पहले भोजन मंत्र का उपयोग करेंगे तो ज्यादा प्राण शक्ति मिलेगी, ज्यादा आपके ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आपको फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे और आपको भूख कम लगेगी। भोजन मंत्र के बाद आपको भूख कम हो जाती है। जो भूख लगी है, आपके अंदर पैरासाइट्स जो हैं उनको भूख लगती है। आपके अंदर कीड़े हैं, सबके अंदर कीड़े रहते हैं पेट के। 95% लोगों के पेट के अंदर बड़े बड़े 2-2 मीटर लंबे, 1-1 मीटर लंबे, 1-1 फीट लंबे कीड़े होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, जिनको पैरासाइट्स बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ डैमेज होती है। उनके अंदर दिमाग होता है और उनके अंदर हड्डियां नहीं होती है, और वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं। तो असल में हम इतने ब्यूटीफुल हैं, हमारा क्रिएशन इतना अच्छा है कि हम नेगेटिव होने के लिए नहीं बने हैं, हम इमोशनली ब्रेकडाउन के लिए नहीं बने हैं। ज्यादातर हमें वो कराते हैं। तो जो आपको एक्स्ट्रा भूख लगती है, भोजन मंत्र से वो शांत हो जाती है। आपको सिर्फ उतनी ही लगेगी जितनी योग्यता है। और मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अच्छी अगर आपको नींद चाहिए तो आपको आसन मैंने बताया है, सुप्त बद्धकोण आसन। आप उसको करेंगे तो आपके शरीर में जितना ज्यादा लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, आपकी नींद उतनी गहरी होती जाएगी। आप वीडियो में आकर जब हम लाइव सेशन करेंगे, आप सिर्फ लाइव सेशन को कीजिएगा। एंड आई प्रॉमिस टू, डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, कि उनका स्लीपिंग पैटर्न सुधर जाएगा। उनका 80% सुधार होगा स्लीपिंग पैटर्न में, बिकॉज हम सही विधि से उधर समझा पाएंगे। तो सुप्त बद्धकोणासन को सही विधि करने से आपको असल में क्या होगा, जब हम लाइव कराते हैं तो कुछ लोग कराते कराते लाइव में सो जाते हैं उसी समय, तो आप उसको ज्वाइन करें एंड उसका पूरा पूरा लाभ लें। वो आप ही लोगों के लिए है। अच्छे सभी आसन उधर करें। मैं मोस्टली जो आज के सीवियर इश्यूज होते हैं, लोअर बैक पेन होता है, नॉक नीज होते हैं, बैक इश्यूज होते हैं, स्लिप डिस्क होते हैं, थायराइड होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है, स्कॉलोसिस होती है, स्टेनोसिस होते हैं, या फिर बीपी होता है, डायबिटीज होता है, हेयर लॉस होते हैं, स्किन डिसीजेस होती हैं, सबके लिए हम 1-1 दिन सीक्वेंस बताएंगे। असल में योगा का, योगिक साइंस का पूरा लाभ तभी मिलता है व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द सीक्वेंस, साइंस ऑफ सीक्वेंस इन द योगा। आपका एक आसन के बाद कौन सा आसन करना क्यों जरूरी है, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लड के फ्लो को चैनलाइज करना, नाड़ियों में प्राणों को कैसे बहाना है, उसका एक विधि है। इस आसन के बाद ये आसन, और उसके बाद ये रेस्ट करना। तो स्पाइन को आगे झुकाने के बाद किस तरफ मोड़ना होता है, पीछे झुकाने के बाद किस तरफ मोड़ना होता है, वो पूरा साइंस बहुत डिटेल में। रोज 15 आसन का सीक्वेंस होगा, और वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए होगा। उसका पूरा लाभ उठाएं, वो मुफ्त होगा। अभी शायद वीक हम शुरू करने वाले हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स एक ही चीज पर डिपेंड करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल के लिए। जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको ऐसे बिल्कुल बेचैनी रहेगी। तो ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाने के लिए कम जंक फूड खाएं, सामान्य सी बात है। नमक का कम करें लेवल, और कोशिश करें कभी कभी 18-18 घंटे बिना पानी पीने के रहने का। ना पानी पीना है ना खाना खाना है। 18 घंटे के बाद पानी पीकर शुरू करें और 24 घंटे तक पानी पीते रहें। 18 घंटे के और 24 घंटे के बीच में पानी पीकर अपनी भूख को दबाएं, और 24 घंटे के बाद खाना खाएं। तो आप क्या होता है, एक बेस्ट लेवल की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। असल में फास्टिंग का रियल काम 18 घंटे के बाद ही शुरू होता है। जो आजकल के शोरशोबाजी में लोग 6-6 घंटे का करा रहे हैं, इट्स जस्ट ए प्रैक्टिस कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन जब आप धीरे धीरे कोशिश करके 18 घंटे तक निर्जलीय रह पाएंगे, तभी आपके शरीर में आपका डाइजेशन हील करना शुरू करता है खुद को। अगर आपने बीच में 2 बूंद भी पानी पिया तो आपका डाइजेशन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, केमिकल सिक्रीशंस हो जाते हैं, तो वो दोबारा से हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है। 18 घंटे बिना पानी बिना किसी चीज के रहें तो आप देखेंगे आपके शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपका शरीर टॉक्सिसिटी को एक्सपेल करना शुरू कर देगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए इस तरह से रहने का। योगाभ्यास के लिए हम अवेलेबल होने ही वाले हैं 2 से 4 दिन में। आप लोगों को 2 से 4 दिन में आपने को डेट मिलेगा गुरुजी। हाँ, हम इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें। हिमालयन योगी के इंस्टाग्राम पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रॉम व्हेन वी आर स्टार्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैंने बहुत समय ले लिया आपका, और हमने ये भी बात किया था आपके मैनेजमेंट से, हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन भी, नेक्स्ट संडे इस कहिए सुनिए एपिसोड में आपसे दोबारा थोड़ा बहुत रूबरू हो सके। तो वो हम, आई होप ऑडियंस नेक्स्ट सेशन के लिए भी इतने ही एक्साइटेड रहेंगे। तो आपको मैं अभी तो प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में आए और इस शो की शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी टीचर्स डे। जाते जाते अगर आपको कुछ भी ऑडियंस को बोलना है तो आप अपना मैसेज दे सकते हैं। मेरी तरफ से थैंक यू। मुझे लगता है मैंने ऑडियंस को बहुत ज्यादा बोल दिया है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप, मेरा मैनेजमेंट मुझे बता रहा है कि आपको अगर इसमें एंटर करना है सेशन में, तो आप इस गिव अवे हम उसमें कर रहे हैं। आप उसमें मेरे सिग्नेचर टी-शर्ट एंड मैच पा सकते हैं। आप उसमें एंटर करें और कोशिश करते हैं हमें आप ही लोगों से जो हमने कमाया है हम आपको वापस दे दें, तो आप उसको ले जाएं, उसमें एंटर करें। मेरा जग में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जी जी है गुरु जी, ठीक है। तो मैं तो उस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हूँ और आपकी टी शर्ट पहन के ही करूंगी। जी जी, योगा मैं चाहता हूँ। तो तरीका बता देंगे, अगर मैनेजमेंट में से बताएंगे, आप बताएंगे हमको कैसे जाना है उसके, वो सब इंस्टाग्राम पे है, वो सब आकर इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं वो कैसे है, वो नॉर्मल भाषा में उधर लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। बस ये है कि जो लोग अभ्यास करते हैं, जो लोग सब कुछ अच्छे से करते हैं, तो वो एक मैसेज कन्वे करते हैं इस तरह से। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप ये समझ लीजिए, लोगों को लोभ लालच देकर कि कुछ तो ले लो लेकिन कर लो ऐसा नहीं है, करो इसको, अच्छे से करो, दैट्स इट। और कोई मोटिव नहीं है इसके भी पीछे, लोगों तक एक अच्छी चीज पहुंच जाए, ये आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके लिए मेरा आपको साधुवाद, धन्यवाद। नमस्कार जी, इसी से हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, नमस्ते।